तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन जैसे एबीवीएमयू, एम्स, केजीएमयू, एसजीपीजीआई में पूछे जाते हैं। और इसमें हमने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है जो कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में अब की बार आए हुए हैं। तो वॉच आउट करें हमारे वीडियो और तैयारी के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इज यूज टू बाय द डॉक्टर्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है जो कि जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आपकी, लीवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, तो इसकी इमेज बनाता है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्टेथोस्कोप है, ओटोस्कोप है, अल्ट्रासाउंड है कि ग्लूकोमीटर है? तो सही आंसर क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराते हैं आप, तो ये इमेज अंदर की क्रिएट करता है ऑर्गन्स की। कैसे काम करता है ये काम करता है साउंड वेव्स के ऊपर। किस पे काम करता है? साउंड वेव्स। याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन बनता है, वर्क करता है ये साउंड वेव्स के ऊपर। और साउंड वेव से जो पिक्चर क्रिएट करता है ना, पिक्चर बनती है ना, तभी तो आप अल्ट्रासाउंड फिल्म देखते हैं, उस पिक्चर को हम कहते हैं सोनोग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं? सोनो, SONO, सोनोग्राम। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वर्क करता है पहला क्वेश्चन साउंड वेव्स पे, इमेज क्रिएट करता है, और जो पिक्चर बनती है उसको कहते हैं हम सोनोग्राम। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज बाय द डॉक्टर, फिर इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस एरोसोल्स। एरोसोल्स, ठीक है, ऑफ ड्रग्स टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई रेस्पिरेटरी रूट। अब तीन चीजें इसमें आ रही हैं। डॉक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिससे एरोसोल बना रहे हैं ड्रग्स का। अब एरोसोल क्या होता है? जिसमें जैसे पूरा वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है एरोसोल, ठीक है, तो जो ड्रग होती है इसे इनहेल की जाती है, तो रेस्पिरेटरी रूट मतलब सांस के रास्ते से। तो एरोसोल्स वाली ड्रग को पेशेंट को देने के लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, या चौथा ऑप्शन है यहाँ पे नेबुलाइजर यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है नेबुलाइजर। क्यों? आपको पता ना, नेबुलाइज किया जाता है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती, तो वो ड्रग जो है वो नेबुलाइज करके डाल दी जाती है, तो स्प्रेड आउट हो जाती है लंग्स में एरोसोल्स के फॉर्म में। तो इसे इसका जो आंसर है वो सही है, नेबुलाइजर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है, इज यूज बाय द डॉक्टर्स टू मेजर, क्या चीज? डोजेस ऑफ लिक्विड स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस को जो दवा पिलाई जाती है ना, तो उनको किसी ढक्कन में पिलाई जाती है, या उसका डोज मेजर करने के लिए उसमें 5 ml 10 ml वो बना रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिफिब्रिलेटर कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं, नेबुलाइजर कहते हैं, या नॉजल कहते हैं? ठीक है, उस ढक्कन में जिसमें जो है साइजेस बनी रहती हैं, या जिससे जो है ड्रॉप्स दी जाती हैं, तो उसको कहते हैं ड्रॉपर। ठीक है, तो स्पेसिफिक टर्म आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है ड्रॉपर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स एज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, देखिए क्या करने के लिए, टू लुक इनसाइड, अंदर देखने के लिए, कहाँ? एनल कैनाल में। ठीक है, तो एनल कैनाल जो होता है उसमें देखने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, या लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम में देखने के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रॉपर यूज करते हैं, नेबुलाइजर यूज करते हैं, ओटोस्कोप यूज करते हैं, कि प्रोक्टोस्कोप यूज करते हैं? ठीक है, तो ड्रॉपर तो होगा नहीं, नेबुलाइजर भी बता चुके हैं क्या होता है, ऑटोस्कोप ईयर देखने के लिए होता है, कान देखने के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ। ये प्रोक्टोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है ये एनल रूट को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोक्टोस्कोप। तो प्रोक्टोस्कोप से डॉक्टर एनल कैनाल या रेक्टम के लोअर पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि द साइंस, एक ऐसी फील्ड है साइंस की जिसमें रेडिएशंस को यूज किया था, इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, किस लिए? रेडिएशन से हम इमेजेस बनाते हैं, क्या करते हैं? टू प्रोवाइड इमेजेस ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, बोन्स, वेसल्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड या ऐसी साइंस जिसके हम रेडिएशंस को यूज करके इमेजेस बनाते हैं टिश्यूज की, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं, नेबुलाइजर कहते हैं, गाइनेकोलॉजी फील्ड कहते हैं, रेडियोलॉजी? तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होगा, इसको कहते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेज के थ्रू इमेजेस बनाते हैं टिश्यू को, तो ये पूरी फील्ड है। गायनेकोलॉजी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू, किस लिए? यूज टू असिस्ट और कैरी आउट। ठीक है, क्या करने के लिए? असिस्ट करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए? क्या? मैकेनिकल एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन।
किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी ब्रीथिंग ये प्रॉब्लम हो रही होती है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को मोटिवेट करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट नॉन रेस्पायरिंग, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, कैन ब्रीथ प्रॉपरली। और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस पर कई क्वेश्चन है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है जिसके थ्रू ब्रीथिंग में हेल्प हो रही है, उस टेक्निक के थ्रू, तो क्या है वो, ठीक है। वो क्या, अल्ट्रासाउंड है, वेंटिलेटर है, एमआरआई है कि एक्सरे है? तो इसका सही आंसर है वेंटिलेटर। आपको पता है वेंटिलेटर के थ्रू ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ज़्यादातर आईसीयूज में। अल्ट्रासाउंड तो मैंने बता ही दिया था, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एक्सरे भी इमेजिंग है, लेकिन वेंटिलेटर से ब्रीदिंग के इश्यूज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये कह रहा है अ जनरल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव, रिमूव टर्म आया, किस चीज़ को, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडीज फ्रॉम ईयर और नेजल कैविटीज। नेजल मतलब नाक, ईयर मतलब कान, तो कान और आंख में गए हुए कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, मतलब बाहर से आई कोई चीज़ है, उसको हटाने के लिए क्या यूज होता है, सीजर, कैची, गॉज, क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स की ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स, ठीक है। क्रोकोडाइल जानते हैं, मगरमच्छ, तो उसका अलग चीज़ है, लेकिन क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स के नाम से ये इंस्ट्रूमेंट जाना जाता है, जिसके थ्रू आप नाक और कान में कहीं हुई गंदगी को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क से ये डेफनेस मेजर करने के लिए, मतलब बहरापन मेजर करने के लिए यूज होता है ट्यूनिंग फोर्क, तो एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ मशीन, मशीन की बात हो, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहाँ मशीन है, कहाँ इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ टेक्निक है, तो यहाँ मशीन की बात हो रही है कि ऐसी मशीन जहाँ सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट होती है टू नो इट्स फंक्शन एंड स्टेट। अब सोनोग्राफी आपने टर्म सुना था अल्ट्रासाउंड में, जहाँ साउंड वेव से पिक्चर बनाई जाती है, लेकिन एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे सोनोग्राफी जो होती है पिक्चर बनती है हार्ट की, जैसे हम जान सकें फंक्शन कैसा चल रहा है, स्टेट कैसा चल रहा है, ऐसी मशीन जो कि सोनोग्राफी करती है हार्ट की, साउंड वेव से ही करेगी, नेचुरल सी बात है। तो वो क्या है, इकोकार्डियोग्राफी है, एमआरआई है, और डिफिब्रिलेटर है, या ईईजी है? उसका सही आंसर है इकोकार्डियोग्राफी। आपने इको टेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। ईसीजी और इकोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी दोनों अलग चीज़ होती है, ईसीजी अलग चीज़ है, ठीक है। ईसीजी होता है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ये इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो होता है, ई फॉर इलेक्ट्रो होता है, यहाँ इको टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। तो सोनोग्राफी जब हार्ट की होती है तो इको होता है, और जब पल्स जो PQRS रेट नापा जाता है तो इलेक्ट्रो होता है, तो ईसीजी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है इको, इको कार्डियोग्राफी, ठीक है। एमआरआई तो ये इमेजिंग मशीन है, डिफिब्रिलेटर अलग चीज़ होती है, ईईजी जो है ये ब्रेन में यूज होता है, तो सही आंसर इसका है इको, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू करेक्ट, क्या चीज़ करेक्ट करने के लिए, क्या चीज़, बैलेंस, ठीक है, करेक्ट करना है और बैलेंस करना है, क्या चीज़, हार्ट रेट एंड रिदम्स। तो जैसे किसी का हार्ट है और उसकी बीटिंग फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, पल्स रेट गिरी जा रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, ठीक है। जैसे हार्ट रेट या रिदम जो है बैलेंस रहे या करेक्टेड है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ईईजी कहते हैं, ईईसी कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं कि एमआरआई कहते हैं? तो सही आंसर है पेसमेकर। पेसमेकर वो मशीन है जिसके थ्रू हार्ट रेट और रिदम बैलेंस की जाती है, पेसमेकर लगा रहे थे तो पेस बना रहता है, जिस हार्ट जिस रेट से बीट कर रहा था वो बीट करता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली उत्तराखंड में आए हुए बीएससी नर्सिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, और ये वो क्वेश्चन है जो 2021 में उत्तराखंड में नर्सिंग एप्टीट्यूड में आए थे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी के हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था, तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम आया था, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एएनएम, जीएनएम में जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, जनरल नर्सिंग मदर, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, गुड नर्सिंग मिडवाइफरी की जनरल नर्सिंग मेट्रॉन। तो इसका सही आंसर है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, याद रखिएगा जीएनएम का फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन था। फिर उत्तराखंड में दूसरा क्वेश्चन आया था कि विच रेगुलेटरी बॉडी, हमने सारे क्वेश्चन कवर किए उत्तराखंड के, परेशान नहीं हुई है, विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल्स नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ऐसी कौन सी बॉडी है इंडिया में गवर्निंग बॉडी जो कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन पूरा कंट्रोल करती है, कैसे नर्सिंग चलेगा, क्या नॉर्म्स होगा, क्या सिलेबस होगा, तो क्या है वो, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल है कि एसोसिएशन ऑफ नर्सेस ऑफ इंडिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC, ये है जो रेगुलेट करती है नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना है, द लेडी विद द लैम्प, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इन्होंने ही नर्सिंग कॉन्सेप्ट सब स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक अवार्ड मिलता है, इसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस इज इंस्टीट्यूटेड फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाई नर्सेज टू द सोसाइटी। तो मेरिटोरियस सर्विसेज मतलब अच्छी सर्विसेज जो नर्सेज ने किया है उनको दिया जाता है अवार्ड। तो किस ईयर से ये स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, 1973, 53, 63, 83। ठीक है, इसका सही आंसर जान लीजिए पहले, इसका सही आंसर है 1973। 1973 से भारत सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड देने लगे उन नर्सेस को जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं नर्सिंग की फील्ड में। ये हाईएस्ट अवार्ड है नर्सिंग का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाईएस्ट अवार्ड ऑफ नर्सिंग इन इंडिया कौन सा है, तो इंडिया का हाईएस्ट नर्सिंग अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अब एक क्वेश्चन और समझिए, एक होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल, ठीक है, ये दूसरी चीज है, ये अवार्ड है मेडल। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल की बात करें तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, मतलब ऐसी नर्सेज जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल दिया जाता है, और इंडिया में दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इंडिया का ये हाईएस्ट अवार्ड है नर्सिंग का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है, और ये भी हाईएस्ट अवार्ड है नर्सिंग का, लेकिन इंटरनेशनल अवार्ड दिया था। तो अवार्ड और मेडल में आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब होता है। ठीक है, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब होता है, कब होता है, 12th मई, 12 जून, 12 जुलाई की 12th अगस्त, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है 12th ऑफ मई। क्या, 12th ऑफ मई क्यों मनाया जाता है ये, क्योंकि इस दिन बर्थडे है। किस बर्थडे किसकी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इनका जन्मदिन है 12 मई को, इसलिए इंटरनेशनल नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पे 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। ओके, और इस बार जो मनाया गया था 2021 में, क्वेश्चन मार्क समझ ली, उसकी जो थीम थी, थीम होती ना हर एक इवेंट की, तो इस बार जो मनाया गया उसमें जो थीम थी वो था नर्सेस, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, ये थीम थी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड। वैसे आगे उसमें था अ विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, लेकिन जनरल याद कर लिए नर्सेस अ वॉइस टू लीड, ये थीम थी किसकी, इंटरनेशनल नर्स डे, जो अब की बार 12 मई 2021 को मनाया गया है, और हर साल मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि इस दिन बर्थडे होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ उत्तराखंड नर्सिंग के अलग से भी, ठीक है, उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ड्यूटी ऑफ द नर्स क्या क्या होती है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, टेक डिटेल हेल्थ केयर, हेल्थ केयर लेना, और लिसन टू द पेशेंट, पेशेंट को सुनना, एनालाइज करना उनके फिजिकल इमोशनल नीड्स को, या प्रोवाइड कॉन्फ्लिक्ट इन हेल्थ केयर, कॉन्फ्लिक्ट नहीं वर्ड यूज हो गया है, प्रोवाइड केयर इन हेल्थ केयर, एजुकेशन टू पेशेंट। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही थे। तो हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, लिसन भी करती हैं पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रोवाइड भी करती हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जनरल ड्यूटी है नर्स की, ये आपको जनरल क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन और आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड नर्स। इसमें पूछा है नॉट, याद रखिएगा नॉट, समझिए इसमें नॉट, ये क्वालिटी नर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, नॉट एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी होता है। तो गुड नर्स में क्या नहीं होना चाहिए, इम्पैथी, केयरिंग, ओवर फ्रेंडली की, इसमें चौथा ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो केयरिंग से दो बार लिख गया, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ओवर फ्रेंडली। नर्स को ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, ओवर फ्रेंडली होगी तो पेशेंट डिस्टर्ब होता है। ओके, और आइए देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन, ये देखिए सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ पहले के नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो प्रेजेंट है। दिस इज अ साइन ऑफ, ये किस चीज़ का साइन था, बायोहजार्ड, केमिकल, कि फायर का था, कि डेड बॉडी का था, ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुके, इसका सही आंसर बायोहजार्ड, दिस इज बायोहजार्ड का साइन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक साइन था ये वाला, तो पूछा गया था दिस साइन इंडिकेट, इसमें जितने क्वेश्चन से मैं सॉल्व करा चुका हूँ ज़्यादातर, या आगे पीछे मिलते जो क्वेश्चन है, तो दिस साइन इंडिकेट ये किस चीज़ का साइन है, स्टॉप फॉर व्हीकल, कार पार्किंग, फिजिकली चैलेंज, या बेबी केयर एरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए व्हील चेयर बनी हुई है, समझ लीजिए, ठीक है, एक तरीके से, तो ये फिजिकली चैलेंज पर्सन का ये साइन है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, एक और साइन बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकता है, दिस साइन इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है साइन। ठीक है, तो आपको प्रेग्नेंट वुमेन तो दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, वुमेन नॉट परमिटेड, प्रेग्नेंट वुमेन नॉट परमिटेड, डिलीवरी वुमेन नॉट फॉर प्रेग्नेंट लेडी, या फीडिंग रूम, तो फीडिंग रूम तो है नहीं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, वुमेन नॉट परमिटेड ये भी गलत हो जाएगा, या तो ये होगा तो ये होगा,
लेकिन इसमें सिंबल जो लगा हुआ है क्रॉस वाला लगा है, मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं आना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेग्नेंट वुमेन नॉट परमिटेड, ये नहीं है कि डिलीवरी रूम ये नहीं होगा, सही आंसर इसका है प्रेग्नेंट वुमेन नॉट परमिटेड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड में आए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन, अगर किसी को एक्सरे कराना है तो पेशेंट को कहाँ जाना होगा, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी की ऑपरेशन थिएटर। तो मैंने बताया था एक्सरे क्या है, रेज है, रेज की स्टडी होती है रेडियोलॉजी में। तो सही आंसर क्या है उसका, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट, अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, रेडियोलॉजी में जाना पड़ेगा, पैथोलॉजी में कि ऑर्थोपेडिक्स में कि एनेस्थीसिया में, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराना है तो इसको जाना पड़ेगा पैथोलॉजी लैब में, इसका सही आंसर। रेडियोलॉजी तो एक्सरे वाला डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स जो है हड्डी वाला हो जाता है, एनेस्थीसिया वो जहाँ पे सुन किया जाता है, मतलब दवा दे के जो है असर पेन का कम किया जाता है वो डिपार्टमेंट होता है एनेस्थीसिया। पैथोलॉजी होता है जहाँ पे टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उसका सही आंसर क्या होगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बीपी, तो ज़्यादातर पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब एबीवीएमई और दूसरे एग्जामिनेशन में क्या आते हैं ये डिपेंड करेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अगल बगल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो बीपी इज मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट, बीपी किससे नापा जाता है, ब्लड प्रेशर, स्फिगोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोमेट्री, वेंटिलेटर। तो याद कर लीजिएगा जो मशीन होती है बीपी को, उसे कहते हैं स्फिगोमैनोमीटर, बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ स्फिगोमैनोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये तो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देता है हार्ट के लिए ये तो, कार्डियोमीटर और वेंटिलेटर ये सब रेस्पिरेशन के लिए है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द साउंड मेड बाई हार्ट एंड लंग्स, तो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बता चुका हूँ मैं, जिसकी मदद से आप साउंड सुन सकते हैं हार्ट की या लंग्स की, क्या कहते हैं उसे, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। स्टेथोस्कोप आले को कहते हैं, जो आला होता है ना जो आप लगा के सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप से आप हार्ट और लंग्स की आवाज़ सुन सकते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर तो बीपी के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी हार्ट के लिए, ठीक है। सभी ऑप्शंस क्लियर है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 23, ये सब उत्तराखंड में आए हुए हैं जो डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस इन द हॉस्पिटल, डिस्पेंस मतलब निकाली जाती है, डिस्पेंसिंग होती है वहाँ से, ठीक है। तो कौन से डिपार्टमेंट से होती है जहाँ से ड्रग निकाली जाती है, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, फर्स्ट एड रूम। अब फिजियोथेरेपी फर्स्ट एड तो नहीं होगा, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, सही आंसर जो है वो फार्मेसी है, और इसको बल्कि हॉस्पिटल फार्मेसी के नाम से भी आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा हॉस्पिटल फार्मेसी, ओके। मेडिकल स्टोर नहीं होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल की बात हो रही ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। सीएमओ का फुल फॉर्म क्या है, सीएमओ में होता है ना हॉस्पिटल में, उसका ऑप्शन ये दिया हुआ था, क्या है सही आंसर इसका, इसका सही आंसर है चीफ मेडिकल ऑफिसर, कन्फ्यूज मत होइए, याद रखिएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आए थे कि अगर केमिकल बर्न हो जाए तो क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू डू फॉर अ केमिकल बर्न, केमिकल से अगर आप जल गए, एसिड गिर गई तो क्या करें, फ्लश विथ वाटर ड्राई एंड कवर, पानी से धुल के ड्राई करके कवर कर दें, या फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवर, कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से ज़्यादा पानी लगा के धुलें, या फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर गर्म पानी से धुलें, या फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर ठंडे पानी से धुलें। तो आपको पता है बर्न हुआ है तो सिंपल सी चीज़ है, कोल्ड वाटर यूज होगा, तो सही आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी, कोल्ड वाटर से धोलिए और हेल्थ के लिए वेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी था आपका फर्स्ट एड से, तो व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, खून निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए, एलिवेट द इंजरी मतलब इंजरी को बढ़ा दे तो करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट प्रेशर लगाना है, ये सही आंसर है, लूज ड्रेसिंग से कोई मतलब नहीं है, टॉर्निकेट अलग चीज़ होती है, अभी बताता हूँ। देखिए जब आपको मान लीजिए हैंड में चोट लग गई तो खून निकल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ प्रेशर लगाने की ज़रूरत है, जैसे खून रुक जाए तो फर्स्ट एड में पहले क्या होगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जब आप प्रेशर लगा देते हैं तो रुकता है, तो फिर आप यहाँ पे एक बैंड लगा सकते हैं सेकेंड नंबर पे, जैसे यहाँ पे खून का दबाव रुक जाए, स्क्वीजिंग हो, उसको कहते हैं टॉर्निकॉट, ठीक है। तो टॉर्निकेट भी अच्छी चीज़ है, लेकिन फर्स्ट एड में पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको प्रेशर लगाना है, उसके बाद आपको पट्टी बांध के कस देना है, जैसे खून का बहाव रुक जाए, ओके। तो पहला है आपको डायरेक्ट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपको डायरेक्ट लगाना है साइड पे। फिर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू
फर्स्ट थिंग मतलब ही हो गया फर्स्ट एड, तो याद रखिएगा फर्स्ट एड का क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि फर्स्ट लिखा रहेगा, पहला चीज़ हमें क्या करनी है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू सस्पेक्ट समवन हैज एन इलेक्ट्रिकल बर्न। अब बिजली से किसी को जल गया है या बिजली का झटका लग गया है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, वही फर्स्ट एड होता है। तो चेक ब्रीथिंग एंड पल्स, उसकी सांस या पल्स देखें, या चेक करें कि इलेक्ट्रिसिटी बंद है कि नहीं, कि चेक करें कि ब्लीडिंग हो रही है, कि चेक करें कि शॉक हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है बिजली तो नहीं चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बंद करो ना, अगर वो भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद है तो और जलेगा वो, आप भी परेशान होगे साथ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यू हैव टू चेक कि इलेक्ट्रिसिटी टर्नड ऑफ है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि टू इनकरेज पीपल्स, एक सिंपल सी लाइन है कि इनकरेज करें लोगों को, किस लिए, जैसे वो हेल्प करें एक अदर एक दूसरों को इमरजेंसी सिचुएशंस में। जैसे हर स्टेट ने कुछ लॉज इनैक्ट किए हुए हैं, वो स्टेट्स हैज इनैक्टेड लॉज जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एज अ रेस्क्यूअर फ्रॉम बींग सुइड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई इंसान पड़ा हुआ था सड़क पे, चोटिल था, तो आपने उसकी मदद की, तो आप घबराते हैं कि पता नहीं क्या मेडिकल केस हो जाए क्या हो जाए, तो उस हेल्प को ना आप घबराएं, तो क्या करते हैं कि जो रेस्क्यूअर होता है वो सुइड ना हो, मतलब उसको खिलाफ कोई केस ना हो कि आप ही ने तो ऐसा नहीं कर दिया, तो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको हेल्प की ज़रा ज़रूरत है, वो घबरा के हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक लॉ बनाया गया कि जो भी हेल्प करके लाएगा उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, वरना वही लेके आया और वही फंस गया। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, गुडविल लॉ, फर्स्ट एड लॉ, गुड समार्टिन लॉ, कि देयर इज सच नो लॉ। सही आंसर याद रखिएगा द गुड समार्टिन लॉ है, ये लॉ बना हुआ है द गुड समार्टिन लॉ। ये ऐसा लॉ है जिसमें आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी चोटिल व्यक्ति है उसकी आप मदद करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो आप पे केस नहीं लगेगा कि पता चला कहते हैं कि आप ही नहीं काम किया है, इस लॉ से आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हैंड वॉशिंग डे किस दिन होता है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, हैंड वॉशिंग डे किस दिन है, 15 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर है, 5 नवंबर, ये पूछा गया उत्तराखंड में। तो सही आंसर इसका याद कर लीजिएगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर हैंड वॉशिंग डे है, हाथ धुलने वाला दिवस है। ओके अभी देखिए नए क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं यहाँ पे, अब आपको कुछ नए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तो कि आप यूज़ कर सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन क्वेश्चन हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इसका मतलब क्या है, कोई पेशेंट है जिसका हार्ट स्टॉप हो गया बीटिंग, नहीं धड़क रहा या बहुत थोड़ा थोड़ा धड़क रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, कौन सी इमरजेंसी में क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लाइफ सेविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईसीजी करेंगे, ईईजी करेंगे, सीपीआर करेंगे, इको करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या है, आप सीपीआर करेंगे, सीपीआर करेंगे। पहले बस सीपीआर का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, पता है आपको, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी, ठीक है। सीपी हो गया, अब आर से रिससिटेशन, RESU, ठीक है, SCITATIO, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें जो है पेशेंट को लिटा के उसके चेस्ट पे जो हाथ रखा जाता है और सांस दी जाती है, तो इसको सीपीआर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये और ये लाइफ सेविंग होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट एड में आता है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो सीपीआर देना आपका पहला कर्तव्य होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 31, अब कह रहा है कि विच कंडीशन विल डेवलप, कौन सी कंडीशन डेवलप होगी फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस, मतलब अगर ब्लड लॉस हो जाए किसी पेशेंट में या किसी विक्टिम में, बहुत ज़्यादा खून निकल जाए, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एनाफिलेक्सिस हो सकता है, कि हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत तेज गिरेगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। ये सब नए क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू डू फॉर अ शॉक, अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शॉक है, क्या करना चाहिए, उस विक्टिम को कुछ पीने को देना चाहिए, टू ड्रिंक, कि विक्टिम को कुछ खाने को, या ईट होगा ऑप्शन, सॉरी, ईट करने के लिए कुछ देना चाहिए, कि विक्टिम को सोने देना चाहिए, कि विक्टिम को कुछ नहीं देना है पीने के लिए, बल्कि उसको एश्योर करना है कि तुम ठीक हो और उसको मेडिकल असिस्टेंस देना है। तो अगर कोई पेशेंट शॉक में चला जाए तो आपको उसे ऑप्शन नंबर डी सही है, उसको कुछ पीने को नहीं देना है, नथिंग टू ड्रिंक, और रीअश्योर करना है कि तुम ठीक हो और मेडिकल असिस्टेंस सीक करना है, खाने पीने कुछ नहीं देना है, ठीक है। सही आंसर इसका ये। अब देखिए फर्स्ट एड का क्वेश्चन फिर से 33, व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट, अगर छोटी सी कट लग जाए तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड का क्वेश्चन है ये, तो वॉश विथ सोप, साबुन से धुलिए एंड वाटर से धुलिए और कवर कर लिए स्टेराइल बैंडेज, स्टेराइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या सिर्फ बैंडेज से कवर कर लिए स्मॉल कट को, या कॉटन के वुल से, मतलब रुई से साफ कर लिए, या पेट्रोल से धुल लीजिए, इसका बेस्ट आंसर है वो ये है,
वॉश विथ सोप, साबुन धुलिए, पानी से धुलिए, फिर उसको सुखा के उसको स्टेराइल बैंडेज से कवर कर लीजिए। ये सारे ऑप्शन फर्स्ट एड में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। वट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया? थर्मिया मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर गिर गया बॉडी का अचानक, हाइपोथर्मिया, तो क्या दिखता है पेशेंट में? वार्म स्वेटी दिखता है, कोल्ड स्वेटी दिखता है, कोल्ड टायर शिविंग दिखता है, कि जस्ट वही स्वेटी? सही आंसर इसका याद रखिएगा, कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो गुल थका थका लगेगा, जूड़ी चढ़ेगी, शिवरिंग होगी और एबनॉर्मली एक्ट करेगा। ये सब सिम्टम किसके हैं? हाइपोथर्मिया के। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म? मान ली किसी का हाथ टूट गया, ब्रेक्स एन आर्म, टेक्निकल पॉइंट्स याद रखिए, ब्रेक्स एन आर्म, तो फर्स्ट आपको क्या करना, मतलब फर्स्ट एड हो गया फिर से। किसी का हाथ टूट गया आपको सबसे पहले क्या करना है? प्लास्टर चढ़ा देना है, पुट अ प्लास्टर ऑन इट, या उसको खींचना है कि हड्डी बैठ जाए, कि पुट द आर्म इन द स्लिंग, कि उसको कपड़े से बांध के लटका देना है, मतलब से कपड़े का झोला बना के लटका देना है, कि एंटीसेप्टिक यूज़ करना है। देखिए जो फर्स्ट एड है वो ये है कि आपको आर्म को स्लिंग में रख देना है। स्लिंग का मतलब क्या हुआ? इस तरीके समझिए कि आपका हाथ है, ये हाथ है, तो आपने एक कपड़े से उसको लटका दिया, जैसे आपका हाथ यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये लटक रहा है यहाँ पे और ये हाथ आपका इसमें लटकता रहेगा, तो वो डैमेज नहीं होगा। प्लास्टर आपका सेकेंड लेवल पर चढ़ेगा, तो आपको स्लिंग में एक झूले में एक तरीके के हाथ का कपड़ा बना के बांध के उसको लटका देना है। अच्छा, चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये एक प्रिकॉशनरी है कि हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क, अपना रिस्क आपको रिड्यूस करना है, डिजीज ट्रांसमिशन जैसे ना हो, जैसे डिजीज ट्रांसफर ना हो आपको, व्हेन केयरिंग फॉर ओपन ब्लीडिंग वाउंड्स, किसी को चोट लगी है, ओपन वाउंड है, खुला हुआ है, खून निकल रहा है, तो आप अपना रिस्क कैसे रिड्यूस करेंगे कि ट्रांसमिशन ना हो? देखिए, वॉश योर हैंड्स इमिडिएटली आफ्टर गिविंग केयर, जैसे आपने केयर किया तो आप हाथ धुल लिए तुरंत, सही है। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, उसके खून से आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ये भी सही है। वेयर ग्लव्स और प्लास्टिक रैप, या ग्लव्स पहन के काम कीजिए या प्लास्टिक पहन के काम कीजिए, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन इसका क्या? ऑल ऑफ द अबव। सब आपको प्रिकॉशन लेने हैं कि आपको नुकसान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बैंडेज किस लिए यूज़ किए जाते हैं? बैंडेज, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, आपको आंसर पता हो सकता है लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बैंडेज यूज होता है अप्लाई डायरेक्टली टू वुंड टू सोक ब्लड, कहीं खून निकल रहा है तो खून को सोखने के लिए बैंडेज यूज होता है, गलत आंसर। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पेन कम करने के लिए होता है, नहीं। स्मॉल कट रिलीफ के लिए, नहीं। ये इसलिए है कि होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, जैसे आपने पट्टी लगा दी और रुई के ऊपर, तो रुई को अपने जगह पे रखने के लिए, ड्रेसिंग को प्लेस में रखने के लिए बैंडेज यूज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी खून रुकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 कह रहा है कि हीट स्ट्रोक, गर्मी लग गई, हीट से स्ट्रोक हो गया तो क्या होता है? वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, बुखार चढ़ जाता है, ये भी होता है, ठीक है। रेड ड्राई स्किन हो जाती है, मतलब लाल और ड्राई स्किन हो जाती है, ये भी होता है। वीक पल्स चलती है, शैलो ब्रीदिंग होती है, सांस धीमे धीमे आ रही है, हल्के हल्के सांस ले रहे हैं, ये भी होता है, तो सभी ऑप्शन इसमें सही है। तो हीट स्ट्रोक, जैसे गर्मी में जो लू लग जाती है ना, हीट स्ट्रोक लग जाता है, तो इसमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, टेम्परेचर बहुत तेज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, रेडिस हो जाएगी स्किन, वीक पल्स चलेगा, ये सब सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कि एक सेरेमनी होती है, सिंबलिज्म है, एक सेरेमनी होती है किसकी? इसे वेलकम किया जाता है न्यूली ग्रेजुएटेड और सून टू बी ग्रेजुएटेड नर्सेस के, तो नर्सेस जो ग्रेजुएट करने वाली होती हैं या हो गई होती हैं, उन सबको सेरेमनी होती है जिसमें उनको पिन्स प्रेजेंट की जाती है, नर्सिंग पिन्स प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। नर्सेस के लिए होता है, जब वो ग्रेजुएट करने वाली होती है या होने वाली होती है, तो एक सेरेमनी करते हैं जिसमें उनको नर्सिंग पिन्स देते हैं उनके जान पहचान के लोग, वो क्या कहलाती है? कॉन्वोकेशन कहलाता है, मतलब दीक्षांत समारोह, डिग्री कन्फर्मेंट सेरेमनी की डिग्री मिल रही है, पिनिंग सेरेमनी की रहती है कि लैम्प सेरेमनी? इसका सही आंसर याद रखिएगा, पिनिंग सेरेमनी है, पिनिंग सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो सेरेमनी है जिसमें नर्सेस को अवार्ड मिलता है, मतलब अवार्ड के मतलब उनको रिकॉग्निशन भी मिलता है और नर्सिंग पिन्स भी दी जाती है, इसलिए इसका नाम पिनिंग पड़ा हुआ है। लैम्प भी वहाँ जलाए जाते हैं, लैम्प रिप्रेजेंट करते हैं नाइटिंगेल को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, लेडी ऑफ द लैम्प, लेकिन जो सेरेमनी का नाम है उसको याद रखिए, वो पिनिंग सेरेमनी है, लैम्प सेरेमनी नहीं है। सही आंसर क्या है? पिनिंग सेरेमनी। लास्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपने बहुत सुना फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है ब्रिटिश नर्सिंग, क्या कहा जाता है? ब्रिटिश नर्स, लेकिन जन्म ब्रिटेन में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है, इटली में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, कि यूएसए में हुआ है? सही आंसर है इसका इटली, जगह का नाम भी फ्लोरेंस है। तो
इटली में इनका जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपके क्वेश्चन अच्छे लगे। अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल 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 ऑफ योर एग्जामिनेशन।